कैमरा नीचे करिए ना, आप स्टील कौन है यार? सब लोग चाहते हैं कि ये हिंसा रुकनी चाहिए, हिंसा से किसी का भी भला नहीं हो रहा। अरे माइक नीचे, ये कौन है भाई? एक हेड कांस्टेबल की माइक हुई, सिविलियंस की मौत हुई, वो सब लोग किसी ना किसी के घर के लोग थे और हमारे ही अपने दिल्ली के लोग थे, तो जितनी हिंसा बढ़ेगी उसका किसी को भी फायदा नहीं है। अभी गृह मंत्री जी ने सभी पार्टियों की और ऑफिसर्स की, कंसर्न्ड ऑफिसर्स की पुलिस की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एलजी साहब भी मौजूद थे, बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, पुलिस कमिश्नर थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और बहुत सकारात्मक मीटिंग रही जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सब ने ये तय किया कि ये हमारी अपनी सबकी दिल्ली का मामला है और सभी पार्टियां मिलके और सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके दिल्ली में वापस शांति बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है हम सब संभव प्रयास करेंगे। सभी अथॉरिटीज़ ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी पुलिस की कोई कमी नहीं होने देंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलकर करेंगे। दिल्ली पुलिस हैज फेल्ड, व्हाई डोंट यू कॉल द आर्मी? दिल्ली पुलिस हैज फेल्ड, व्हाई डोंट यू कॉल द आर्मी? अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि, पर अभी शायद जो पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई है और कई पुलिस वाले सीरियसली घायल हैं। मैक्स हॉस्पिटल के अंदर 9 पुलिस वाले घायल हैं, जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर 16 पुलिस वाले घायल हैं। तो पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था, मैं भी नीचे सबके साथ पिछले 2-3 दिन से टच में हूँ, ऐसा लग रहा था कि कमी नजर आ रही है, तो आश्वासन दिया है कि और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी पुलिस की वो मुहैया कराएंगे और सब लोग इसके ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के सब लोग अपनी दिल्ली में शांति बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे।